हर हर महादेव। और सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अभी 32-35 किलोमीटर भोपाल के बाहर हैं और हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। और हुआ ये था कि कल रात को गब्बर का कॉल आया कि बोला उज्जैन चलते हैं, तो मैंने कहा यार हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, तुम लोग चले जाओ। तो वो बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, आज दोपहर में मेरा मन हुआ कि दो दिन का ऑफ है और चलना चाहिए, तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि तुम लोग निकल गए क्या बाइक से, तो बोला नहीं भाई हम अभी तक नहीं निकले हैं। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, और अभी हम जा रहे हैं उज्जैन। और अभी हम भोपाल से काफ़ी बाहर आ गए हैं, भोपाल में एनटीरियर में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि आज गोप्रो चार्ज नहीं हो रहा था, और जब ऐसे कभी सडन प्लान बनता है ना तो गोप्रो ऐसा ही करता है, वो चार्ज ही नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। तो फिर पावर बैंक पे लगा के रखा और अब चार्ज हो गया अच्छा खासा। और मेरी बाइक पे ये पहली इतनी लंबी जर्नी है जो मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ हीरो एक्सपल से। आई एम सो एक्साइटेड। और मेरे पास हीरो एक्सपल्स है और जो गब्बर जिसकी मैंने बात की उसके पास R15 है, तो वो अभी तक तो हमारे साथ ही चल रहे थे। और फिर अचानक से एक शूम करके आवाज़ आई और अभी वो हमें इस रोड पे नहीं दिख रहे। मंदिर दर्शन में ये बात मानता हूँ कि हमारे हाथ में नहीं है, हम बोल देंगे हम मंदिर जाएंगे, बट जब बुलावा आता है ना तभी जाना हो पाता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। हाईवे, लेट्स गो। और टूरिंग के लिए जैसे कि आप सबको पता हीरो एक्सपल्स का जो हैंडल बार है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने दो दिन पहले मोटो टॉर्क का हैंडल बार ऑर्डर कर दिया है और साथ में बर्क बस्टर रेप्लिका के ये जो हैंडल गार्ड या नकल गार्ड बोलते हैं ये भी ऑर्डर कर दिए हैं, ये भी दो तीन दिन में आ जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारा टूरिंग एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी का जो हीरो एक्सपल्स का हैंडल बार है जो स्टोक हैंडल बार, उससे लंबे रूट पर बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, और मुझे फोर आर्म में भी पेन होता है और शोल्डर में भी होता है। तो ये सब आ जाएंगे, उसके बाद जो हमारा टूरिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। और आज की हमारी इस 200 किलोमीटर की राइड के बाद हम देखेंगे कि हमारी बाइक में और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमें चेंज करवानी है या उनमें मॉडिफिकेशन करवाना है। सीट का आज क्योंकि मैंने पहली बार मैं 200 किलोमीटर राइड करने वाला हूँ, तो अगर लगा कि सीट कंफर्टेबल नहीं है तो उसके लिए कुछ जो एयर वाली सीट आती है जिसमें एयर फिल हो जाती है, या तो वो ऑर्डर करेंगे या तो फिर जो रैली एडिशन में जो सीट आती है वो सीट कुछ देखते हैं आज के ट्रिप के बाद। फ़िलहाल तो बहुत सही जा रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो गाइस हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली है। तो एट दिस पॉइंट आई विल से मोटो टूरिंग इज़ नॉट ए ईजी गेम। अब मेरे राइट हैंड के शोल्डर में और अब मेरे राइट शोल्डर में पेन होने लगा है, और भी ना जाने कहां कहां पेन होना शुरू हो गया है, बट मौसम बहुत सही है और रास्ता बहुत सही है और मज़े आ रहे हैं। और अब मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है 5-10 मिनट का, पैरों को भी स्ट्रेच करना है। और जो मेरे साथ आए थे वो मुझे, मैंने अभी 100 किलोमीटर तक की राइड की है ना, मुझे अभी तक नहीं दिखे, मुझे लगता है वो शायद पहुंच गए होंगे आई थिंक। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो और आप एक हेलमेट देख रहे हो ना अच्छा सा, तो मैं ये कहूँगा वेगा का जो बोल्ट बनी है वो मत लेना, क्योंकि वो बहुत हैवी लगता है, मुझे बहुत हैवी लगता है, पता नहीं मेरा भी इस बाइक पे इस हैंडल बार की वजह से पोस्चर सही नहीं है इसलिए या डोंट नो, बट मुझे वेगा बोल्ट बनी बहुत हैवी लगता है, उससे भी मेरे गर्दन में पेन फील होता है मुझे।
तो गाइस द पप्पू एंड पप्पू पे ब्रेकफास्ट हो गया और अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में मेरा दिल मेरे मुंह में था और मुझे ऐसा लगा कि आज मौत का फरिश्ता साथ में आसमान से नीचे उतर के ट्रैक्टर लेके रोड पे निकला। और ट्रैक्टर वाला बीच की लेन में जा रहा था और जाते जाते उसने अचानक से डिवाइडर की तरफ ट्रैक्टर चिपका दिया। मतलब बहुत कम स्पेस था कि मैं वहाँ से निकला हूँ और गाड़ी थी 90-95 की स्पीड पर और कंट्रोल एक्सपल्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है स्पीड में, बट भोलेनाथ के जा रहे थे तो ऐसे कैसे कुछ हो जाता। तो ये भगवान की कृपा थी कि उस स्पेस से मैं बिना घबराए निकल गया और बच गया आज तक। इधर है क्या पार्किंग होगी क्या? थोड़ा आगे ले यहाँ पार्किंग पूछना, पार्किंग क्या पूछना पड़ेगा यहाँ पार्किंग का पूछना पड़ेगा कहाँ है। पार्किंग हम लोग 6 बजे उज्जैन पहुंच गए थे और फिर 6:30 हम मंदिर चले गए। हमने सोचा कि आज ही आरती दर्शन कर लेते हैं, बट हालत ऐसी हो रखी थी तो फिर सोचा कि कल सुबह करते हैं अच्छे से नहा धो के। तो फिर अभी होटल चेक इन कर लिया है और कल सुबह जाएंगे 4 बजे आरती दर्शन कर लेंगे और उसके बाद वापस घर। और सफ़र बहुत अच्छा था, बाइक पे थोड़ी बहुत थकान लगी बट जब जैसे उज्जैन में एंटर हुए तो सारी थकान मिट गई थी। और अब खाना खाएँगे और फिर सोते हैं, कल सुबह मॉर्निंग में दर्शन करके वापस भोपाल। That's it. जय महाकाल, हर हर महादेव।